शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाएंगे फिश। हमें फिश के लिए थोड़ा सा मैंने लिया फिश मसाला, थोड़ा सा लिया, ज़्यादा नहीं डालना। मैं अपने मसाले खुद डालूंगी। ये हल्दी, अजवाइन, सुरख मिर्च एक चुटकी चुटकी है, ये सुरख मिर्च एक चम्मच है, चाट मसाला, गरम मसाला, सूखा धनिया और ये है मेथी, ये सब्ज़ मिर्चें और अदरक और लहसुन है, इनकी हमने पेस्ट बना के ये फिश मैंने धो के रखी हुई है। ये सारी चीज़ें मैं फिश के अंदर ऐड कर दूँगी और मैंने आए फिश के अंदर ऐड करके इसको एक घंटे के लिए रख दूँगी, उसके बाद इसको फ्राई करूँगी। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फिश के अंदर ऐड करने लगी हूँ। इसको रिफ्रीजर के अंदर रखे हुए एक घंटा हो गया, घंटे से ज़्यादा हो गया है। ये अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर चला गया। अब मैंने ऑयल लिया है, मैंने सरसों का खालिस ऑयल लिया है, वो डाला कढ़ाई के अंदर। ये अच्छे तरीके से ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब हमने इसके अंदर ये फिश लिया। बहुत गर्म हो गया है, ये देखिए सेक निकल रहा है इससे। अब मैं इसके अंदर फिश डालने लगी हूँ। देखिए मैंने ये फिश सारी अब निकाल लिया ऑयल से, यहाँ से। इसको मैंने ज्यादा मसाले इसलिए नहीं लगाए कि इस फिश का अपना टेस्ट पे है। हम इतने ज्यादा मसाले लगा देते हैं कि यह जो चीज़ होती है उसका टेस्ट नहीं आता, बस मसालों का टेस्ट आता है। इसलिए मैंने कम मसाले लगाए हैं। ये देखिए अंदर से पक के ना, ये देखिए अंदर तक पक गई है ये। मैंने ऐसे मैंने सरसों के खालिस तेल में पकाई है ना, ये फिश सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी बनती है। देखिए कितनी मज़े की ये तैयार हो गई है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।